दोस्तों, आप जब स्टेशन पर बैठ के अपनी ट्रेन का वेट करते हैं तो आपने बहुत सारी ट्रेनों को गुजरते देखा होगा स्टेशन से, और हर ट्रेन के पीछे एक्स का निशान जरूर देखा होगा। पर क्या आपने कभी सोचा है कि ये एक्स का निशान क्यों होता है? ज़्यादातर लोग इस एक्स पे ध्यान नहीं देते, पर ये एक्स ट्रेन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। और क्या आपको ये पता भी है कि ट्रेन के पीछे एक्स क्यों होता है? अगर नहीं पता तो बने रहिए, वीडियो के अंत तक पता चल जाएगा। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आपने कभी ना कभी तो ट्रेन में सफर किया ही होगा, और ये जरूर देखा होगा कि सारी ट्रेनों के पीछे एक्स जरूर होता है। पर आपने क्या कभी सोचा है कि ये ट्रेन के पीछे एक्स क्यों होता है? और सिर्फ एक्स ही नहीं, और भी बहुत सारी चीज़ें ट्रेन के लास्ट डिब्बे में होती है, जैसे कि LV और ये लाल बत्ती। पर क्या आपने कभी सोचा भी है कि ये क्यों होता है? तो दोस्तों, हम आपको बता दें कि ये एक्स क्यों होता है। एक्स इसलिए होता है कि जब कोई भी ट्रेन एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन पर जाती है तो बहुत लंबा सफ़र होता है। इतने लंबे सफ़र में अब आप जानते ही हैं कि सारे डिब्बे आपस में जुड़े होते हैं, तो एक कोई डिब्बा रास्ते में ना छूट जाए और पीछे से कोई ट्रेन आए उसका एक्सीडेंट ना हो जाए, इसीलिए इसके पीछे एक्स होता है। अगर स्टेशन हर स्टेशन पे स्टेशन मास्टर सारी ट्रेनों को चेक करता है हरी झंडी दिखाने के बाद कि उसके पीछे एक्स है या नहीं, अगर होता है तभी सब सारा चीज़ सही रहता है, स्टेशन मास्टर समझ जाता है। और अगर नहीं रहता तो तुरंत आपातकालीन कार्यवाही शुरू किया जाता है। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि रात में एक्स थोड़ी ना दिखेगा, तो जी हाँ, आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं। रात में स्टेशन मास्टर ये पीछे जो लाल बत्ती होती है इसको देखता है, और देख के समझ जाता है कि ट्रेन बिल्कुल सही है तो जाने देता है। दोस्तों, यही है इस एक्स और इस LV और इस लाल बत्ती का मतलब, आप समझ गए होंगे। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए, ताकि जब मैं कोई नई वीडियो डालूँ तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों तक तुरंत पहुँचे।